हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन FM की पाठशाला विद सी अरुण सेतिया। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो संध्या, शिवांश, यश, योगेश, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। यस आई एम वेरी गुड। नेहा, वेरी गुड इवनिंग। प्रिया, श्रेया, शिखा, यस वेरी गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं पहले ये बताओ। सो आई एम वेरी श्योर यू मस्ट हैव मिस्ड द लास्ट क्लास, है ना? आई ऑल्सो मिस्ड यू अलॉट बिकॉज लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, जिसकी वजह से आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू टेक दैट क्लास। यस वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आवाज़ ठीक आ रही है सबको? आवाज़ सबको ठीक आ रही है? आज थ्रॉट मेरे को मेरा ठीक लग रहा है। मेरा भी नाम ले लियो, ले लिया करो सर। अच्छा, ऋतराज गुप्ता, वेरी गुड इवनिंग ऋतराज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी गुड बच्चे, आई एम वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो अगेन गरिमा, हेलो हेलो हेलो। चलिए, आई कैन नॉट अटेंड टुडे बिकॉज माई फादर इज नॉट। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके फाइन। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। सर ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट करा देना। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। आइए, सो वी डिड कैपिटल बजटिंग में, वी डिड टू क्लासेस एंड दिस इज माई थर्ड क्लास फॉर कैपिटल बजटिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग माई थर्ड क्लास, लेट अस रिवाइज द फर्स्ट टू क्लासेस, व्हाट वी डिड इन दैट क्लास। यस, सो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग में सबसे पहले तो ये समझा कि कैपिटल बजटिंग इज नथिंग बट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट? इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इस पूरे चैप्टर में हमें सीखना होता है दैट फ्रॉम वेयर टू बोरो, हाँ जी, कहाँ से पैसा प्रिक्योर किया जाए, एंड वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। सो आई एम वेरी श्योर इफ यू रिमेम्बर, तो हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को तीन हिस्सों में बाइफरकेट करा था बेटा। द फर्स्ट वन वॉज फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रॉब्लम, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रॉब्लम, एंड फॉर्मेशन में अगर आपको याद हो तो आपको पढ़ाया गया था अबाउट कैश फ्लोज, ठीक है ना? किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब हम कैश फ्लोज को स्टडी करते हैं, लाइक इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, सो वी वर डूइंग फॉर्मेशन पार्ट। एंड आफ्टर डूइंग फॉर्मेशन, द पार्ट नंबर टू वॉज टू स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स विच विल हेल्प अस टू टेक द डिसीजन, विच विल हेल्प अस टू टेक डिसीजन, ठीक है जी? तो हम लोगों ने अलग अलग तरह की टेक्निक्स के बारे में भी, मैंने आपको हालांकि कुछ टेक्निक्स आपको करा दी थी, वी विल बी डूइंग रेस्ट ऑफ द टेक्निक्स टूडे। एंड द थर्ड वन वॉज एडवांस कैपिटल बजटिंग, ठीक है जी? एडवांस कैपिटल बजटिंग, इसमें अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने, वैसे अभी पढ़ा नहीं है बट हम लोग पढ़ेंगे, सर्टेनिटी इक्विलेंट अप्रोच, RADR अप्रोच, अगर आपको याद हो, ऐसे नाम आपको याद होंगे, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग एडवांस कैपिटल बजटिंग के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है जी? यस yes.
ओके सो आई होप हम लोग लास्ट क्लास में टेक्निक्स कर रहे थे और आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो जस्ट टू स्टार्ट विद दैट ओनली ऊपर हेडिंग डालेंगे कि फॉर एनी कैपिटल बजटिंग प्रॉब्लम हाउ टू टेक डिसीजन, डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो उसके लिए वी वर गिवन नंबर ऑफ टेक्निक्स, तो कुछ टेक्निक्स के नाम आपको एक बार याद करा देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो सबसे पहली टेक्निक डिस्कस करी थी दैट वाज पे बैक पीरियड अप्रोच। पे बैक पीरियड अप्रोच, आई होप यू यू वर देयर व्हेन आई डिड दिस टेक्निक विद यू। सो द फर्स्ट टेक्निक वाज पे बैक पीरियड अप्रोच, द सेकेंड वन वाज एनपीवी अप्रोच, देन इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्रोच, देन इज आईआरआर एंड देन इज एआरआर एंड द लास्ट वन वाज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड अप्रोच। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड अप्रोच, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड अप्रोच, ठीक है जी। सो दीज आर द टेक्निक्स विच विल हेल्प अस टू टेक द डिसीजन। एंड लास्ट क्लास में वी डिड पे बैक, एनपीवी एंड पीआई। तो आज हम पहले थोड़ा सा इस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे एंड थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे ऑन दीज टेक्निक्स एंड देन वी विल शिफ्ट टू द रेस्ट ऑफ द टेक्निक्स, राइट। सो ऊपर हेडिंग डालनी है पे बैक पीरियड अप्रोच। पे बैक पीरियड अप्रोच, हु विल टेल मी पे बैक पीरियड क्या होता था बच्चे? द पे बैक पीरियड वॉज अ पीरियड इन विच वी विल गेट बैक, वी विल गेट बैक अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय अस। वी विल गेट बैक अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय अस। सो इफ वी आर इन्वेस्टिंग एनी अमाउंट, सो इन विच पीरियड, यानी कि वॉट विल बी द पीरियड टू गेट बैक द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय अस, दैट इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड। एंड इफ यू रिमेंबर, सो वी कैलकुलेटेड पे बैक पीरियड लाइक दिस। इन केस इफ सी एफ ए टी इज कॉन्स्टेंट, सो द फॉर्मूला वॉज पे बैक पीरियड लाइक इनिशियल आउटफ्लोज डिवाइड बाय सी एफ ए टीज। एंड इन केस इफ सी एफ ए टीज आर नॉट कॉन्स्टेंट, इफ सी एफ ए टीज आर नॉट कॉन्स्टेंट, नाउ हु विल टेल मी इन दैट केस पे बैक पीरियड निकालने के लिए वी यूज टू क्यूमुलेट सी एफ ए टीज। एंड यूजिंग दिस क्यूमुलेटिव सी एफ ए टीज वी वर कैलकुलेटिंग पे बैक पीरियड। आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स दिस। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स बेटर, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके एंड उसके बाद आपको ये भी बताया गया था कि इन केस वी आर सपोज टू कंपेयर टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ए एंड बी, एंड इफ आई नीड टू सिलेक्ट दैट विच ऑफ दीज टू प्रोजेक्ट इज बेटर। सो हम लोगों ने पढ़ा था प्रोजेक्ट विद लोअर पे बैक इज ऑलवेज बेटर। हाँ जी, प्रोजेक्ट विद लोअर पे बैक इज ऑलवेज बेटर। लोअर पे बैक प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज बेटर। प्रोजेक्ट विद लोअर पे बैक आर ऑलवेज बेटर, ठीक है जी। अब इसी से जुड़ता हुआ ना एक क्वेश्चन और आ जाता है। लिखिए जरा, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, जस्ट राइट देयर। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस पे बैक पीरियड अप्रोच शुड बी फॉलोड। आप कोई आंसर दे सकते हैं? हाँ जी, किन सर्कमस्टांसेस में पे बैक पीरियड अप्रोच बेटर मानी जाती है? एनीबडी कैन आंसर। हाँ जी, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस पे बैक पीरियड अप्रोच कैन बी ट्रीटेड एज बेटर। ऐसी क्या सिचुएशन है कि आउट ऑफ ऑल दीज मेथड पे बैक पीरियड विल बी टेकन एज लाइक द बेटर मेथड? हु कैन टेल मी? ओके फाइन, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी कंडीशंस। हाँ जी, लिख लीजिए, इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी कंडीशंस पे बैक पीरियड इज ऑलवेज टू बी कंसीडर्ड एज द बेटर मेजर। यस प्लीज राइट डाउन, इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी कंडीशन, इफ यू आर इन सच अ कंडीशन
where we have threat of like we will be facing some inflation in the country. So those projects are always better, which will be having the lower payback periods. Clear? Yes, very good. No, Ritik, time value of money का इससे कोई लेना देना नहीं है. लिख लीजिए, द प्रोजेक्ट विद लोअर पे बैक पीरियड इज ऑलवेज प्रेफरेबल एंड दिस मेथड इज जनरली यूज इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी कंडीशन. ये ध्यान रखेंगे. अब बच्चा कहता है सर इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? तो देखिए लॉजिक है इसका, समझिएगा जरा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. सी, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन लेबर मटीरियल एवरीथिंग विल गेट कॉस्टली. नाउ यू टेल मी इफ एवरीथिंग विल गेट कॉस्टली सो आर एस्टिमेशन विल बी रॉन्ग. सो बिकॉज वी हैव एस्टिमेटेड द थिंग्स अंडर नॉर्मल इन्फ्लेशनरी कंडीशंस एंड इन केस अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा आ जाती है तो डेफिनेटली आर एस्टिमेशन विल गो रॉन्ग एंड इन दैट केस मे बी पॉसिबल कि हमारा जो डिसीजन होगा टू एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट वो भी गलत हो सकता है. क्लियर है? तो फिर ऐसे में टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम दैट इन्फ्लेशन दैट प्रोजेक्ट विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेबल वेयर पे बैक पीरियड विल बी लो. क्लियर है? सो यू कैन राइट देयर द प्रोजेक्ट विद लोअर पे बैक पीरियड इज ऑलवेज एक्सेप्टेड एंड दिस अप्रोच इज ऑलवेज ट्रीटेड एज बेस्ट अप्रोच अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस. वेरी गुड. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन, एनपीवी अप्रोच. नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज एनपीवी? आई टोल्ड यू कि दैट इन केस ऑफ एनी प्रोजेक्ट वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वेदर टू एक्सेप्ट एनी प्रोजेक्ट और नॉट, वी कंपेयर इनफ्लोज विद द आउटफ्लोज. वी कंपेयर इनफ्लोज विद द आउटफ्लोज, राइट? बट सिंस द टाइम वैल्यू ऑफ दीज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इज नॉट सेम, सो इट इज बेटर टू कंपेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज. सो वेन वी कंपेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज एंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू प्रेजेंट वैल्यू इट टर्म्स एज नेट प्रेजेंट वैल्यू. इट इज टर्म्ड एज नेट प्रेजेंट वैल्यू. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ हु विल टेल मी दैट इन केस अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर एनपीवी अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, इफ वी कैलकुलेटेड एनपीवी, इट मे बी जीरो, इट मे बी ग्रेटर देन जीरो, इट मे बी लेस देन जीरो. नाउ जस्ट राइट द इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो एंड लेस देन जीरो. ठीक है, लिखेंगे जरा सारे. लिखिए, वेन एवर एनपीवी इज ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स, प्रोजेक्ट रिटर्न इज हायर देन डिजायर्ड रिटर्न. इट सिंपली मीन्स दैट प्रोजेक्ट रिटर्न इज हायर देन डिजायर्ड रिटर्न. इन सम बुक्स इट इज रिटन दैट प्रोजेक्ट रिटर्न इज हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इन सम बुक्स इट इज रिटन दैट प्रोजेक्ट रिटर्न इज हायर देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो वी कैन यूज ईदर ऑफ दीज थ्री. ईदर यू कैन से प्रोजेक्ट रिटर्न इज हायर देन डिजायर्ड रिटर्न, प्रोजेक्ट रिटर्न इज हायर देन कॉस्ट, और यू कैन से प्रोजेक्ट रिटर्न इज हायर देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो सम बुक्स यूज दिस लाइन, सम बुक्स यूज दिस लाइन, बट सबका मीनिंग एक ही है. ठीक है? सो नाउ माई क्वेश्चन टू यू, वेन एवर प्रोजेक्ट रिटर्न इज हायर देन वॉट यू डिजायर, सो प्रोजेक्ट विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेड. प्रोजेक्ट विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेड. सो अ प्रोजेक्ट इज ऑलवेज एक्सेप्टेड वेन एवर प्रोजेक्ट रिटर्न इज हायर देन योर डिजायर्ड रिटर्न, और यू कैन से वेन एवर एन पी वी इज मोर देन जीरो. सो वेन एवर वैल्यू ऑफ एन पी वी इज मोर देन जीरो, यू कैन से दैट अ प्रोजेक्ट विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेड. वेरी गुड. नाउ हु कैन टेल मी इन केस इफ एन पी वी इज इक्वल टू जीरो वॉट डज इट मीन? इन केस इफ एन पी वी इज इक्वल टू जीरो वॉट डज इट मीन? लिखे जरा. इट मीन्स दैट प्रोजेक्ट रिटर्न इज इक्वल टू वॉट वी डिजायर. सो प्रोजेक्ट रिटर्न इज सेम एज डिजायर्ड रिटर्न, और यू कैन से प्रोजेक्ट रिटर्न इज सेम एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल.
प्रोजेक्ट रिटर्न इज सेम एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यू कैन से दैट प्रोजेक्ट रिटर्न इज सेम एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इन दिस केस ऑल्सो वी ऑलवेज प्रिज्यूम दैट आर प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड. याद रखिएगा, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड वेन एवर प्रोजेक्ट रिटर्न इज ईदर हायर और इक्वल टू वॉट यू डिजायर. प्रोजेक्ट रिटर्न शुड बी ईदर हायर और इक्वल टू वॉट यू डिजायर्स. वेरी वेल डन. ओके डिंपल, ओके. एग्जैक्टली राहुल, वी आर कवरिंग वॉट वी what what is our cost. If you are able to cover your cost, definitely your project will be accepted. Now who will tell me, in case if your NPV is less than zero, likho, it simply means project return kam hai aapki desire se, project return is less than cost of capital, or project return is less than opportunity cost. And in this case, your project will be rejected. So rejection will always come whenever NPV is less than zero. Very good, very good. Very well done, very well done. That's great. अब इसमें ना एक लाइन ऐड करनी है आपने. NPV greater than 0 or PI greater than 1 means same. NPV equal to 0 and PI equal to 1 will mean same thing. NPV less than 0, PI less than 1 will mean same thing. ठीक है ना, याद रखना. NPV greater than 0 and PI greater than 1 एक ही बात होती है. NPV equal to 0, PI equal to 1 is the same thing. NPV less than 0, PI less than 1 is the same thing. इसका मतलब, in case if I am asking you the interpretation of PI, तो PI का interpretation is same as NPV interpretation. Instead of 0, we will be using 1. Bhavna Arora is asking, say, sir, equal to 0 means what? Rupa is asking, equal pay, why you are accepting? Okay, fine. ओके, आई विल गिव यू द रीजन. हाँ जी, सामने देखेंगे जरा. नाउ यू पीपल आर आस्किंग मी कि सर, इफ एनपीवी इज जीरो, व्हाई यू आर सेइंग दैट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट? व्हाई भाई? आई विल रिजेक्ट. मैं तो रिजेक्ट करूंगा. आप एक्सेप्ट क्यों बोल रहे हो? तो लिसन नाउ, सुनिएगा जरा ध्यान से. सपोज अगर मैं आपको ये कहूं, प्लीज सुनिएगा जरा ध्यान से. Suppose in any project my desired return is 12%. चलो मैं आपको एक better example देता हूं. I will give you the जबरदस्त example. ठीक है, सबने जरा उसको focus करना. ठीक है, suppose I want 1 lakh rupees. हाँ जी, I want 1 lakh rupees. So I am asking you कि please give me 1 lakh rupees. Please give me 1 lakh rupees. I will give you what you desire. The ध्यान से सुनेगा. I will give you what you desire. Now my question to you, if your desired return is let's say 12%, and अगर मैं भी आपको 12% return दे दूं, तो इसका मतलब क्या, in a return I will be giving you 1,12,000? Done? प्लीज अंडरस्टैंड करेंगे मेरे क्वेश्चन को पहले. माई डिजायर्ड रिटर्न इज 12% एंड सपोज अ बैंक इज गिविंग 12% ओनली. आप कह रहे हो मुझे 12 चाहिए, बैंक कह रहा 12 दिया. पहले बस मुझे इतना बता दो, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में यू आर आस्किंग फॉर 12, बैंक इज सेइंग ओके 12 दिया, तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं? येस और नो, बस ये बता दो. आप कह रहे हो मुझे 12% चाहिए, बैंक कह रहा दिया, आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं? कौन बताएगा वेदर यू विल एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट और नॉट? कम ऑन, एवरीबडी शुड आंसर.
मैंने कहा आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे, वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके फाइन. सो नाउ माई क्वेश्चन टू यू, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम इस प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालते हैं एट 12% ओनली, तो आप देखिए आंसर क्या आएगा. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, 112,000 इंटू पीवीएफ N1 रेट 12% माइनस 1,00,000 रुपीज, आंसर विल बी जीरो. सो व्हाट डज इट मीन इफ एनपीवी इज जीरो, मीनिंग देयर बाय प्रोजेक्ट इज गिविंग व्हाट यू डिजायर. सो व्हेन प्रोजेक्ट इज गिविंग व्हाट यू डिजायर, यू शुड एक्सेप्ट इट. ना 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 ना, रूपा यादव कह रही है ब्रेक इवन आ गया. नो, गलत पढ़ रहे हो आप अभी भी. नो 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 नो, जितने बच्चों ने ये कहा कि ब्रेक इवन आ गया वो गलत पढ़ रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट एनपीवी इज अ ब्रेक इवन. नो, आई नेवर सेड दिस. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. एनपीवी जीरो का मतलब ये नहीं होता दिस इज ब्रेक इवन. सर इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट रिटर्न इज सेम एज व्हाट यू डिजायर. सो अगर आप डिजायर कॉस्ट पे कर रहे हो देन इट इज ब्रेक इवन, बट अगर मेरी डिजायर कॉस्ट से ज्यादा है तो इट इज नॉट ब्रेक इवन. प्लीज समझिए, ब्रेक इवन मत बोलिएगा आज के बाद. इट इज नेवर अ ब्रेक इवन पॉइंट, प्लीज ध्यान रखिएगा. सो प्रोजेक्ट रिटर्न इज सेम एज डिजायर रिटर्न, बट आपने ये लाइन बोलनी है. एग्जैक्टली, दिस इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन. नेहा इज सेइंग जितना डिजायर था उतना मिल गया. यस, हाँ, ब्रेक इवन नहीं हो सकता ये. वेरी वेल डन, वेरी वेल डन. सो डोंट यूज द वर्ड ब्रेक इवन इन दिस केस. महेश मेरे भैया इधर देख, महेश भैया मैंने क्यों बोला, लॉजिक सुन. एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, और पीआई का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. हाँ, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं. सोचो एनपीवी जीरो कब होगा, व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो एनपीवी जीरो होगा ना. हु विल टेल मी, अगर ये दोनों इक्वल है तो यहां पर अगर मैं दोनों की वैल्यू सेम रख दूंगा तो फिर पीआई क्या होगा, वन. सो इसका मतलब वेन एवर एनपीवी जीरो पीआई विल ऑलवेज बी वन, वेन एवर एनपीवी इज पॉजिटिव पीआई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन, वेन एवर एनपीवी इज नेगेटिव पीआई विल ऑलवेज बी लेस देन वन. जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है ना, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, आप करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा. लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 2,00,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 50,000. ठीक है, दिस इज केस वन. आप एनपीवी और पीआई दोनों निकालो, 2,00,000 2,00,000. हर केस में मुझे एनपीवी और पीआई निकाल के दो, आपको समझ आ जाएगा. 2,00,000 और 1.5 लाख. इन ऑल केसेस कैलकुलेट एनपीवी एंड कैलकुलेट PI. फर्स्ट केस एनपीवी 1.5 लाख, PI 4. सेकेंड केस एनपीवी 0, PI 1. थर्ड केस एनपीवी इज -50,000, ठीक है, और PI इज, दिस इज, एक सेकेंड, मेक इट 2.5, 0.8. सो व्हाट आई सेड, वेन एवर एनपीवी इज जीरो पीआई विल ऑलवेज बी वन, वेन एवर एनपीवी इज नेगेटिव पीआई विल ऑलवेज बी लेस देन वन, वेन एवर एनपीवी इज पॉजिटिव पीआई विल ऑलवेज बी मोर देन वन. ठीक है जी, चलो, वेरी गुड. लिखिए नेक्स्ट टेक्निक, IRR. IRR. नेक्स्ट टेक्निक लिखनी है IRR. पहले लिखो व्हाट इज IRR.
IRR इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेक्ट रिटर्न। IRR को हम एक और नाम देते हैं क्या, प्रोजेक्ट रिटर्न। लिखो जरा, रितिका डिजायर्ड रिटर्न जो होती है ना, जरूरी नहीं है ना कॉस्ट हो। इट इज, आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी डिजायर्ड रिटर्न क्या है, तो क्या आप हमेशा अपनी डिजायर को कॉस्ट तक सीमित करोगे? जरूरी नहीं है ना बेटा, हो सकता है कि आप अपने डिजायर को कॉस्ट से ज्यादा बताओ। आप मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं कि आप मेरे पास जॉब पे आ जाओ, ठीक है, जॉब पे आ जाओ आप मेरे पास, और आपका मान लो मंथली एक्सपेंसेस है 2,000 रुपये, तो क्या हर आदमी यही बोलेगा कि मुझे 2,000 चाहिए? इट डिपेंड्स ना, इट डिपेंड्स। कुछ लोग जो बिल्कुल नीडी होंगे, हो सकता है वो कहें यार तुम मेरे को 2,000 दे देना, उनके लिए तो ब्रेक इवन आ गया। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि नहीं मुझे 10 चाहिए, तो उनकी डिजायर 10 है, और अगर मैंने 10 दे दिया तो मुझे बताओ क्या ये ब्रेक इवन थोड़ी ना है? इट इज नॉट अ ब्रेक इवन, यू आर हैविंग 8,000 सरप्लस। सो डिजायर्ड रिटर्न ऑलवेज कॉस्ट हो, ये जरूरी नहीं होता। गरीबों के लिए होता है, गरीबों के लिए, गरीब समझते हैं ना, ना हु आर गरीब पीपल, जिन लोगों को लगता है कि यार हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो लोग किस पे काम करते हैं, कॉस्ट पे। बट जिन लोगों की मोनोपोली है, जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, दे डोंट वर्क एट कॉस्ट, दे वर्क मोर देन कॉस्ट, सो देयर डिजायर्ड रिटर्न इज मच हायर देन देयर कॉस्ट। इन दैट केस हाउ यू कैन से दैट इट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट? यू कैन नॉट से। चलिए, नाउ हु विल टेल मी प्रोजेक्ट रिटर्न कैसे निकालते हैं? तो लिखो, प्रोजेक्ट रिटर्न इज कैलकुलेटेड यूजिंग, प्रोजेक्ट रिटर्न इज कैलकुलेटेड यूजिंग हिट एंड ट्रायल अप्रोच। इट इज अ रेट वेयर एनपीवी इज जीरो। एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जहां पर एनपीवी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है जी, अब ये कैसे निकलता है, छोटे छोटे तीन क्वेश्चन करेंगे, वन बाय वन करके ध्यान से देखना। Suppose in a given question, at the rate of 10% we calculated NPV and the answer was plus 5,000. Now who will give me the interpretation of this? With a rate of 10%, NPV is positive. Tell me, project return is 10, less than 10 or more than 10? Who will tell me? हाँ जी, कौन बता सकता है? अगर एट 10% एनपीवी अगर पॉजिटिव है, एट 10% अगर एनपीवी इज पॉजिटिव, हु विल टेल मी दिस थिंग वेदर प्रोजेक्ट रिटर्न इज 10, मोर देन 10 और लेस देन 10? कम ऑन, जल्दी जल्दी बताओ, सबने आंसर देना है फटाफट से। एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, क्या हो गया तुम्हारे को यार? वर्तिका क्या आंसर दिया तुमने, शुभ्रा, वर्तिका, अर्जेंट अली, क्या आंसर दे रहे हो आप? वेन एवर, अभी तो लिखवाया, वेन एनपीवी इज पॉजिटिव, कम ऑन यार, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से, फॉर्मेलिटी मत करो। वेन एवर प्रोजेक्ट रिटर्न एनपीवी इज पॉजिटिव, प्रोजेक्ट रिटर्न इज ऑलवेज मोर देन द रेट जो आपने यूज करा। अभी तो लिखवाया बेटा, यस इट इज मोर देन 10, वेरी गुड, ओके। नाउ लिसन, मोर देन 10 कितना? तो हमने ट्रायल किया 12%, आंसर आया 1,000। बताओ व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन,
इफ एनपीवी विद रेट 12% इज 1000, टेल मी व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट रिटर्न? क्या प्रोजेक्ट रिटर्न 12 से कम, 12 से ज्यादा या 12 के बराबर? हाँ जी, केस टू में आंसर दीजिए। अगर एनपीवी एट 12% इज 1000, टेल मी प्रोजेक्ट रिटर्न इक्वल टू 12, मोर देन 12, लेस देन 12? शुभ्रा गलत पढ़ रही है ना, आईआरआर इज अ प्रोजेक्ट रिटर्न, सो प्रोजेक्ट रिटर्न डेफिनेटली ज्यादा होगा जब जब एनपीवी पॉजिटिव आएगा। वेरी वेल डन, सो यू विल से प्रोजेक्ट रिटर्न इज स्टिल हायर देन 12%, सो नाउ आई कैलकुलेटेड एट 13%, आंसर इज 0। कम ऑन, व्हाट विल बी योर आंसर? प्रोजेक्ट रिटर्न लेस देन 13, इक्वल टू 13 और मोर देन 13? इन थर्ड केस इफ एनपीवी बिकम 0 एट 13%, व्हाट इज योर कमेंट? प्रोजेक्ट रिटर्न विल बी लेस देन, इक्वल और मोर देन? वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, बिल्कुल सही चल रहे हो सब, वेरी गुड। सो प्रोजेक्ट रिटर्न इज इक्वल टू 13%, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। So it was a very simple question. Simple question. Okay. Done, 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 done. Okay. Coming to the next question now. NPV with rate 12%. NPV with rate 12% is equal to 1 lakh rupees, so project return is more than 12%, so I tried at 15%, so it comes out minus 20,000. जब भी NPV negative आएगा तो project return is less than 15. Yes, Shubham, very good. My question to you, in this particular case, one thing is very sure, project return 12 से ऊपर है, 15 से नीचे है, तो we apply interpolation process, लिख लीजिए, we apply interpolation process, and according to interpolation process, IRR will be 12% plus, 12 में plus कर देना, वेरी गुड, 12 में प्लस कर देना, कितना प्लस करेंगे ध्यान से सुनना। कहते हैं ये गैप जो है ना वो कितना है ये बताओ, 1 lakh से माइनस 20,000, व्हाट इज दिस गैप? 1 lakh से 0, 1 lakh का गैप है, माइनस 20, तो दिस इज 1 lakh 20,000 गैप। तो कहते हैं 1,20,000 डाउन आने के लिए We increased 3%. दोबारा सुनेंगे, 1 lakh से माइनस 20 पर आने के लिए क्या हमने 3% ऐड किया? बट हमें 1 lakh से माइनस 20 पे नहीं आना था, हमें आना था 1 lakh से 20 पे आना था ना, सॉरी 0 पे। सो 1 lakh से 0, यानी कि हमें गैप चाहिए था 1 lakh। सो ये इंटरपोलेशन प्रोसेस है। फॉर 120 वी नीड टू एड 3%, फॉर 1 lakh हाउ मच टू बी एडेड? तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 14.5%। वेरी वेल डन, 14.5%। विंसी ने बिल्कुल सही आंसर निकाला, ग्रेट, बेहतरीन प्रदर्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
सो आई होप सो IRR प्रोसेस इज क्लियर नाउ. सो यू नीड टू कैलकुलेट NPV एट डिफरेंट रेट्स. यू शुड हैव टू NPVs, वन पॉजिटिव एंड देन वन नेगेटिव. जब आपके पास दो NPVs आ जाएंगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो वी विल अप्लाई इंटरपोलेशन प्रोसेस टू फाइंड आउट IRR. क्लियर है? सो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन टू प्रैक्टिस दिस IRR कॉन्सेप्ट. आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन ना, आप अपने आप निकालो, नहीं आएगा फिर मैं समझाऊंगा. लिखो जरा NPV एट 10% इज 5000, एट 12% माइनस 3000, फाइंड IRR. अपने आप ट्राई करो, देन आई विल सजेस्ट यू द करेक्ट आंसर. फर्स्ट यू ट्राई, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट फर्स्ट यू ट्राई योर सेल्फ. फाइंड आउट IRR यूजिंग इंटरपोलेशन प्रोसेस इन द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज 11.25%. कैसे निकलेगा? सो IRR इज इक्वल टू 10 प्लस. नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज दिस गैप? देखो 5 से माइनस 3, तो दिस इज अ गैप ऑफ 8000. फॉर द गैप ऑफ 8000 वी नीड टू एड 2%. सो हमें 5 से माइनस 3 पे नहीं आना था, हमें 5 से 0 पे आना था. So desired gap was 5000. So इसको सॉल्व करेंगे जरा. So answer is 11.25%. Very well done. वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट. वेरी वेल डन, वेरी वेल डन. सो आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, सबने आंसर देना उसका. ठीक है, लिखिए जरा क्वेश्चन. There are two projects A and B. Present value of inflows and outflows are given to you. ठीक है जी, in one project there is हाँ जी, इन वन प्रोजेक्ट आउटफ्लोज आर 50, इनफ्लोज आर 70. इन दी अनदर प्रोजेक्ट आउटफ्लोज आर 5 लाख, इनफ्लोज आर 6 लाख. ठीक है जी, आपको पहले निकालना है PV और NPV. PI और NPV निकालिए दोनों केसेस में, एंड सजेस्ट करेंगे विच प्रोजेक्ट टू बी चोजन, विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड. करिए बेटा इसको, PI निकालिए और NPV निकालिए इन बोथ द केसेस. वेरी वेल डन, जल्दी जल्दी करेंगे जरा. कैलकुलेट PI एज वेल एज NPV इन बोथ द केसेस. Okay, who will tell me what is PI? one point two.
एनपीवी 20 एंड इट इज 1 लाख। ऐसे नहीं बताना बोथ आर एक्सेप्टेड। अगर मैं ये कहूं कि बोथ प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बताया था ना, अगर ए एक्सेप्टेड बी रिजेक्टेड, बी एक्सेप्टेड ए रिजेक्टेड, तो आप मुझे बताओ ऑन बेसिस ऑफ पीआई कौन सा बेटर है। अगर हम पीआई के बेसिस पर डिसीजन लें, विच वन इज बेटर, इसमें आईआरआर कहां है? इन दिस पर्टिकुलर केस बताओ पीआई और एनपीवी, तो अलग अलग बताना है आपने, पीआई के बेसिस पर ए और बी दोनों में से कौन सा बेटर है? जल्दी बताओ मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जल्दी बताते हैं। वेरी गुड, राहुल कह रहा है ए बेटर है। एंड इन केस ऑफ दिस विच प्रोजेक्ट इज बेटर, ए और बी? पीआई के बेसिस पे तो ए हो गया, और एनपीवी के बेसिस पे बताओ इशिता, पीआई इशिता सहगल, पीआई के बेसिस पे बी कैसे हो गया बेटा? जिसका पीआई ज्यादा होगा वो बेटर होगा, और ऑन बेसिस ऑफ एनपीवी बी इज बेटर। Now my question to you. अब एक ही क्वेश्चन में एक टेक्निक कह रही है ए बेटर है, दूसरी टेक्निक कह रही है बी बेटर है, तो मेरा क्वेश्चन है क्या देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीआई एंड एनपीवी? यस, अकॉर्डिंग टू पीआई ए इज बेटर, अकॉर्डिंग टू एनपीवी बी इज बेटर, तो क्या दोनों में झड़प हो गई? यस, दोनों में झगड़ा हो गया। So my question to you, whenever there is a clash between two techniques, so which one is better? Will you follow PI or NPV? That is my question. My question is, PI says A is better, NPV says B is better. So there is different answer in two different techniques. So which technique is better? That is my question. If you will say PI is better, तो आई विल गो विद ए, इफ यू विल से एनपीवी इज बेटर आई विल गो विद बी, कौन बताएगा? मीनाक्षी इज सेइंग पीआई इज बेटर, निष्ठा नो कैपिटल कंस्ट्रेंट फॉलो पीआई, वी शुड गो विद अ थर्ड, राहुल कहता है मारो गोली थर्ड अप्रोच लो। हाँ जी, राहुल ने तो स्यापा ही मुका दिया, कह रहा है सर थर्ड अप्रोच ले लो। सर इफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स देन पीआई इज बेटर विच मींस ए, वेरी वेल डन, ओके वेरी गुड, लिखो जरा, हमेशा याद रखना when there is shortage of funds, likho decisions are taken on basis of PI, bracket mein likhna returns ke basis par decision liya jata hai, returns ke basis par, but when there is no shortage of funds, decisions are taken on basis of NPV, decisions are taking on the basis of NPV, that is surplus cash flows, वहां रिटर्न मैटर नहीं करती।
तो इस क्वेश्चन में अगर पेपर में आ जाता है कि कंपनी इज हैविंग लिमिटेड फंड्स, तो गो विथ ए, एंड इफ देर इज नो लिमिटेशन फॉर फंड्स, गो विथ बी. सो डिपेंड्स वेदर कंपनी इज फेसिंग शॉर्टेज और कंपनी इज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ शॉर्टेज. वेरी गुड, यस, निष्ठा बिल्कुल सही कह रही है. वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त. अब लिखेंगे नेक्स्ट टेक्निक, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड अप्रोच. डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड अप्रोच, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड अप्रोच. मानव लिखा होगा, चिंता मत कर, लिखो जरा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड अप्रोच. लिखो इन दिस वी कैलकुलेट पेबैक पीरियड यूजिंग, इन दिस वी कैलकुलेट पेबैक पीरियड यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लोज. हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को यूज करके पेबैक पीरियड निकालते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. हाँ जी, वी कैलकुलेट पेबैक पीरियड यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. वेरी वेल डन. सो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, लिखिए जरा, फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन कंप्यूट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. ठीक है जी, यहां पे लिखना है आपने कैश फ्लोस, और यहां पे लिखना है आपने पीरियड 0, 1, 2, 3 माइनस 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख. डिस्काउंट रेट इज गिवन एज 10%. डिस्काउंट रेट इज गिवन एज 10%. हाँ जी, कैसे करेंगे कौन बताएगा? पीवीएफ का टेबल विद रेट 10%, जीरो पे वैल्यू 1.909826751, इनकी डिस्काउंटेड वैल्यू निकालो पहले, -2,90,900, 123,900, 150,200. क्यूमुलेटिव प्रेजेंट कैश फ्लोज निकालना है हमें, क्यूमुलेटिव वैल्यूज निकालनी है आपने. अच्छा, क्यूमुलेटिव में ना जीरो बेशक से हटा सकते हो आप, क्योंकि जीरो तो हमें काउंट ही नहीं करना होता ना, जीरो वाला हटा देना बेटा. तो क्यूमुलेटिव में 90,900, बिकॉज इनफ्लो करने होते हैं क्यूमुलेटिव,
1, 2, 3, 900 3, 6, 5, 000 So discounted payback period will be, now who will tell me, हमें recovery कितनी करनी है 2 लाख की, आपको recovery कितनी करनी है 2 लाख की. So what we can see is, in the first year we recovered 90,900. Now how much is left? Out of 2 lakh, we recovered 90,900. So we are left with 1,09,100. So discounted payback period will be 1+. भाई एक साल से ज्यादा वेट करना पड़ेगा. कितना ज्यादा? कहता है इफ यू रिक्वायर 1, 2, 3, 900 तो यू विल हैव टू वेट फॉर 1 more year. बट मेरी रिक्वायरमेंट 1,23,900 नहीं है. माई रिक्वायरमेंट इज 1,09,100. So the answer will be 1.8805. Okay, अगर आप मंथ में निकाल रहे हैं तो जस्ट कीप इट 12, ऊपर 12 रख दीजिएगा, आंसर विल बी मंथ में. अगर आप 1 रखेंगे तो द आंसर विल बी इन ईयर्स. ठीक है ना? ठीक है जी. वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया यार, शानदार, जबरदस्त, जबरदस्त. लिखो ARR. लास्ट टेक्निक है हमारी ARR. उसके बाद हम स्टार्ट करें, आज ही करेंगे एडवांस कैपिटल बस्टिंग भी स्टार्ट. आज मैं एडवांस कैपिटल बस्टिंग में 2-3 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आज करा दूंगा, नहीं तो खत्म नहीं होगा. बिकॉज नेक्स्ट क्लास इन एनी केस विल बी द लास्ट क्लास फॉर कैपिटल बस्टिंग. सो नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई द बेस्ट टू फिनिश द कैपिटल बस्टिंग. ठीक है, तो अब लिखेंगे जरा फटाफट से ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न सर 1,23,900 क्यों लिया? ये देखो, फर्स्ट ईयर में वी हैव रिकवर्ड 90,900. ठीक है, अगर आप पूरा सेकेंड ईयर वेट करते हो तो यू कैन गेट 1,23,900 मोर. सो नाउ माई क्वेश्चन टू यू, इफ यू वॉन्ट इतना एक्स्ट्रा तो यू विल हैव टू वेट फॉर 1 more year. बट यू सेड आई डोंट वॉन्ट 1,23,900, आई वॉन्ट ओनली 1,09,100. अब ये 1,09,100 कैसे आया? टोटल आपका आउटफ्लो था 2 लाख, जिसमें से फर्स्ट ईयर में आप इतना रिकवर कर चुके थे. सो दिस इज बैलेंस टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेकेंड ईयर. सो कंप्लीट सेकेंड ईयर वॉज गिविंग यू 1,23,900, वो यहां से मेरे को पता चला. सो इफ यू वॉन्ट इतना यू विल हैव टू वेट फॉर 1 year, तो इसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा? तो हमने प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट किया. लिखिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. नाउ व्हाट इज ARR, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? लिखिए
इन एनी प्रोजेक्ट टू कैलकुलेट एआरआर वी कंसीडर एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट्स इन 200. एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इन 200. एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इन 200. याद रखना, इन एवरी मेथड वी वर यूजिंग CF80. दिस इज द ओनली वन मेथड वेयर वी डोंट यूज CF80, इंस्टेड वी यूज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो लिख लीजिए, वेयर पैट इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में CF80 गिवन है तो उसमें से डेप्रिसिएशन वापस माइनस कर दीजिएगा, यू विल गेट वापस पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. हाँ जी, प्रिज्यूम कर लीजिए लिखिए CF80 फॉर 5 years 2 lakh per annum, depreciation 50,000 per annum, original investment. ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 2 lakh rupees. जब भी ये क्वेश्चन दिया होगा ना, ध्यान से सुनेंगे, आपको पहले निकालना है पैट. सो दैट विल बी CF80 प्लस डेप्रिसिएशन. It will be 2,50,000. फिर आपको निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट. देखिए 2 lakh जो है ना, ये मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है. सो अगर हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो आप एवरी टाइम प्रिज्यूम करेंगे दैट एंड में, क्लोजिंग में माई इन्वेस्टमेंट विल बी जीरो. The value of investment will be zero after life of the project. So what is my average investment? 1 lakh rupees. 2 lakh initially. We are presuming all my investment will become zero after the end of the project. So my average will become 1 lakh rupees. सॉरी. अच्छा, रटना क्या है इसमें तुम मुझे बताओ ना. जब आप फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि पैट के अंदर आप डेप ऐड करते थे ना, तो रटना नहीं है इसमें. उल्टी वर्किंग करोगे तो डेप माइनस कर देना. बाय मिस्टेक. 1,50,000 और एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 1 lakh. तो यहां पे आपने लिखना है 150 डिवाइड बाय 1 lakh इन 200. 150%.
ठीक है जी, यस, गुड 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 गुड, ग्रेट गोइंग ग्रेट गोइंग ग्रेट गोइंग। एआरआर आएगा नहीं, चिंता मत करो, ठीक है ना। आपको बाकी 5 टेक्निक अच्छे से करनी है, एआरआर पेपर में कभी नहीं आता। लिखिए एडवांस कैपिटल बजटिंग। अब इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, ऊपर हेडिंग डालनी है एडवांस कैपिटल बजटिंग। एडवांस कैपिटल बजटिंग मैंने अभी बताया ना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वी विल अज्यूम दैट माय एंटायर इन्वेस्टमेंट विल बिकम जीरो एट द एंड ऑफ द लाइफ। सो व्हेन यू अज्यूम दैट एंटायर इन्वेस्टमेंट विल बिकम जीरो, सो ओपनिंग में कितना लगा था 2 लाख और रिकवर हुआ जीरो, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट विल बी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। रितिका, एआरआर का इंटरप्रिटेशन होता है कि इतना रिटर्न आप कमा रहे हो फ्रॉम द प्रोजेक्ट, दिस इज रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट। रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट, एवरेज रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट, एवरेज रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू। विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दिस इज एवरेज रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पूर्वा इट वॉज 2 लाख रुपीज, ठीक है जी, चलो वेरी गुड। लिखिए एडवांस कैपिटल बजटिंग, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, एज्यूम किया गया। लिखो एडवांस कैपिटल बजटिंग में सबसे पहला जो हम लोगों को करना है दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, या यू कैन से एक्सपेक्टेड एनपीवी। पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है उसका नाम क्या है, एक्सपेक्टेड एनपीवी। एक्सपेक्टेड एनपीवी। टॉपिक नंबर 2 जो हमें पढ़ना है दैट इज रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। फिर हमें पढ़ना है डिसीजन ट्री। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। फिर एक आपने पढ़ना है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, आरएडीआर अप्रोच, इन्फ्लेशन कंडीशंस, कैपिटल रैशनिंग। सो वी हैव लॉट्स ऑफ टॉपिक लेफ्ट विद अस, वेरी लेंथी चैप्टर, यू नो वेरी लेंथी चैप्टर, बट आई वॉन्ट दैट आप लोगों को पूरा पढ़ने के बाद तभी मजा आएगा जब आप घर पे क्वेश्चन भी साथ साथ खत्म करो। देखिए अगर मेरे साथ अगर आपने इतना टाइम दे दिया और अगर आपने साथ साथ घर पे नहीं करा तो ये सारा टाइम मिट्टी हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जैसे ही मैं बोलता हूँ चैप्टर खत्म तो आपको भी घर पे फिर खुद सारे प्रैक्टिस करने हैं। देखो एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस रिविजन चैनल, तो डेफिनेटली कुछ पार्ट आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, मैं आपको कराऊंगा बट आपको भी सारा घर पे जाके उसको रिवाइज करना है बार बार। लिखिए जरा एक्सपेक्टेड एनपीवी। एक्सपेक्टेड एनपीवी ना, वट इज एक्सपेक्टेड एनपीवी। सी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना बजटिंग, दैट इज फोरकास्टिंग। सो वेन एवर वी यूज टू फोरकास्ट, सो वी फोरकास्ट विद मोर देन वन आउटकम।
हम ऐसे बोलते हैं मे बी दिस मे बी दिस मे बी दिस. सो वॉट एफ एम इज सेइंग वेन एवर यू आर फोरकास्टिंग एंड इफ यू आर हैविंग प्रोबेबल कि दिस कैन बी पॉसिबल दिस कैन बी पॉसिबल दिस कैन बी पॉसिबल. सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इट इज ऑलवेज बेटर दैट डिसीजन शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी. तो लिखिए जरा वेन एवर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ वेन एवर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन आउटकम दैट इज एनपीवी डिसीजन शुड ऑलवेज बी टेकन ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी. कहते हैं जब भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन हैव मोर देन वन एनपीवी एंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन योर डिसीजन शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेड एनपीवी. योर डिसीजन शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेड एनपीवी. सो आई विल गिव यू वन सिचुएशन. उससे पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे. एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने का फॉर्मूला किसी को याद है? समेशन ऑफ एनपीवी मल्टीप्लाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज. समेशन ऑफ एनपीवी मल्टीप्लाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज. लिखिए फ्रॉम गिवन इन क्वेश्चन या फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन compute expected NPV. हाँ जी, नीचे दी गई इंफॉर्मेशन से compute करेंगे expected NPV. सपोज NPV दिया हुआ है -20,000 एंड what इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी -20,000 इज -0.2 ओनली. It can be 40,000 with probability 0.3. It can be 50,000 with probability 0.5. Using the given information, you are supposed to calculate expected NPV. फटाफट से निकाले जरा एक एक मिनट के अंदर. हाँ जी, expected NPV जल्दी जल्दी से निकाल के देंगे. Everyone will answer the question. हाँ जी, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी इन द गिवन क्वेश्चन? वेरी गुड वेरी गुड, फास्ट. कैसे निकालेंगे? -20 × 0.2, दिस इज -4,000, 12,000, 25,000. -33,000 इज द करेक्ट आंसर. वेरी वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट. ऊपर लिखेंगे जरा नेक्स्ट टॉपिक, रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट. रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट. नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज रिस्क? लेकिन रिस्क का मतलब होता था अनसर्टेनिटी. हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिस्क? इट इज अनसर्टेनिटी. रिस्क मीन्स अनसर्टेनिटी. सो अनसर्टेनिटी ऑफ वॉट? तो लिख लीजिए मे बी एक्चुअल रिटर्न डेविएट्स
एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरी वेल डन। इट मे बी पॉसिबल दैट एक्चुअल रिटर्न जो आएगी वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से डेविएट कर सकती है, एंड दैट इज वाई इफ यू रिमेंबर द रिस्क वॉज बींग डिनोटेड बाय द टर्म स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वेन एवर समबडी आस्क यू टू कैलकुलेट रिस्क, यू आर सपोज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता था इफ यू रिमेंबर, वेरी वेल डन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, समेशन ऑफ ए आर माइनस ई आर स्क्वेयर इनटू कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। समेशन ऑफ ए आर माइनस ई आर का होल स्क्वेयर इनटू प्रोबेबिलिटी, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। सो आई विल गिव यू वन सिचुएशन, सो यू आर सपोज टू कैलकुलेट। अच्छा यहां पर आप ए आर ना लिखकर यू कैन राइट एनपीवी ऑल्सो, यहां पर ए आर ना लिखकर आप लिखो एनपीवी माइनस एनपीवी बार। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए आर यू राइट एनपीवी माइनस एनपीवी बार। भाई रिटर्न्स का मतलब यहां पर वो क्या ले रहा है, एनपीवी ले रहा है, ठीक है जी। ओहो रूबी, रूबी डिनर बनाना होता है, रूबी डिनर खाना होता है। अच्छा कल 1 o'clock 1 PM पे ध्यान रखिएगा लाइव चैट शो, ठीक है, वेयर आई विल बी डिस्कसिंग योर इश्यूज एंड विल ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ एवरी ऑफ योर प्रॉब्लम। सो आई टोल्ड यू कि एवरी संडे आई विल बी कमिंग विद अ लाइव चैट शो जहाँ पर हम लोग बहुत डिस्कशन करेंगे। वहाँ पर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर योर मेजर कंसर्न, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग एंड विल ट्राई टू गिव यू द आंसर्स, ठीक है। और डेफिनेटली विल ट्राई टू मोटिवेट यू ताकि आप जो है और अच्छे से काम कर सको। जो भी ये नेगेटिविटी आ रही है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस शो। सो कल आप सबने 1 PM, ठीक है, लाइव आऊँगा मैं। वी विल नॉट स्टडी, वी विल बी डिस्कसिंग स्टडी रिलेटेड इश्यूज। सो उनको वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट, राइट। चलिए अब लिखो जरा, एनपीवी दिया हुआ है -10 25 30,000 विथ प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.3, 0.5 एक्सपेक्टेड एनपीवी, और साथ में आपने निकालना है रिस्क, प्रोजेक्ट का रिस्क। यस बेटा, एनपीवी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी इज गिवन। यूजिंग एनपीवी एंड प्रोबेबिलिटी यू आर सपोज टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनपीवी एंड रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। हाँ जी, एनपीवी मल्टीप्लाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी करेंगे आप।
सो इट विल बी 20,500 एंड देन एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वेयर इनटू पी सो इट इज 13640 आंसर क्रॉस चेक जरूर करना है बेटा 2465 इट इज 6718 13640 2465 6718 सो इट इज 22823 और इसका निकालेंगे आप स्क्वायर रूट सो दैट विल कम आउट विद 151 अप्रॉक्स 151 कैलकुलेशन एरर चेक कर लीजिएगा प्लीज चेक कैलकुलेशन एरर तो बड़ा अलग अलग आ रहा है एक सेकेंड गड़बड़ हुई है सॉरी अरे सॉरी मेरे भैया हाँ अरे यार पता नहीं ये मेरा भी कैलकुलेटर ना अजीब सा चल रहा है उल्टा सीधा आंसर दिया जा रहा है लल्लू हो गया ये वन फाइव फोर जीरो थ्री हाँ सही है प्रियंका बिल्कुल सही जवाब प्रियंका वेल डन वेरी गुड एनपीवी बार कैसे निकालते हैं शिखा ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया तूने एनपीवी बार तो ये निकला ना एनपीवी इनटू प्रोबेबिलिटी का जो सम है वही तो एनपीवी बार है मेरे बच्चे एनपीवी बार का मतलब एक्सपेक्टेड एनपीवी बार मींस एक्सपेक्टेड एनपीवी ठीक है ना
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। सो आई होप सो एनपीवी बार इज क्लियर एंड रिस्क इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है ना, लिखो आज की क्लास का आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज क्लास, लास्ट टॉपिक। कैलकुलेशन दिखाऊं? फोटो ले लो यार इसकी। मेरा कैलसी धोखेबाज निकला। चलिए बहुत बढ़िया, लिखो आज की क्लास का आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। ओके वेरी गुड वेरी गुड। लिखो RADR एंड CE अप्रोच। हाँ जी, RADR एंड CE अप्रोच। लिखिए जरा, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच According to this approach, a project should be discounted by discount rate based on risk of that project. हाँ जी, एक प्रोजेक्ट का जब हम डिस्काउंटिंग करते हैं एनपीवी निकालने के लिए, तो जो रेट हम यूज करते हैं डिस्काउंट रेट, वो हमेशा डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के रिस्क पर। नाउ हु विल टेल मी, अगर रिस्क ज्यादा है तो हमारा डिजायर्ड रिटर्न भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। बट अगर किसी प्रोजेक्ट का रिस्क कम है तो हमारा डिजायर्ड रिटर्न भी क्या होना चाहिए? कम। सो माई डिजायर्ड रिटर्न शुड ऑलवेज बी डिपेंडेंट अपॉन द प्रोजेक्ट रिस्क। हायर रिस्क हाई डिजायर्ड रिटर्न, लोअर रिस्क लोअर डिजायर्ड रिटर्न, नो रिस्क रिस्क फ्री रिटर्न। So these returns are called as risk adjusted discount rates. Likho, such discount rates are called as risk adjusted discount rates. Inko hum naam dete hain risk adjusted discount rates, RADR, जो कि डिपेंड करते हैं ऑन रिस्क ऑफ एनी प्रोजेक्ट। नाउ आई एम गिविंग यू वन सिचुएशन, आपने आंसर देना है बेटा। ठीक है, आई एम गिविंग यू वन सिचुएशन, यू नीड टू आंसर दैट क्वेश्चन। सपोज इफ वी हैव थ्री प्रोजेक्ट्स ABC,
कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन, आई होप यू अंडरस्टैंड कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन या वेरियंस, लिखो वेरियंस ऑफ प्रोजेक्ट। याद रखना जितना वेरियंस ज्यादा होगा उतना रिस्क ज्यादा होगा। द वेरियंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर 49, 81, 63। सो माई क्वेश्चन टू यू, वाइल कैलकुलेटिंग एनपीवी, इन विच प्रोजेक्ट यू विल बी यूजिंग हाइएस्ट डिस्काउंट रेट, दैट इज माई क्वेश्चन। Who will answer this question? While computing NPV of these three projects, which project will be discounted by highest discount rate? मैं लिख देता हूं, while computing NPV which project will be discounted by highest discount rate. So it is project B. Very well done. It is project B. Very good, very good. अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारा टाइम 5 to 6:30 कर दूं? बोलो, सेम डेज में टाइम इंस्टेड ऑफ 8 to 9:30 कैन आई डू 5 to 6:30? बोलो कितने बच्चों को ये वाला टाइम सूट करता है 5 to 6:30? अगर यस तो मैं मंडे ट्यूसडे से ये टाइम कर सकता हूं मैं आपका। आई कैन मेक द टाइम 5 to 6:30। टैक्स इस समय पे आ जाएगा, वी विल शफल द टैक्स। टैक्स का टाइम रात को 8 बजे कर देंगे, जिससे क्या होगा ना, डेली रात को 8 बजे टैक्स हो जाएगा। इससे आपका ना टाइम 8 बजे डेली टैक्स हो जाएगा। ओ भाई साहब। ज्यादा बच्चे कह रहे नो नो, कई बच्चे कह रहे यस। ओ भाई साहब, चलो ठीक है, हाँ पोल क्रिएट करूंगा, चलो सही है। चलो डन डन डन, अभी नहीं करेंगे, मैं आपसे ऐसे नहीं करूंगा, वी विल डिस्कस देन ओनली। ओके लिखो जरा, हाँ जी लास्ट टॉपिक लिखो, सीई अप्रोच लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे बस। I will leave you within next 2 to 3 minutes, फटाफट से लिखेंगे जरा, और यहीं से we will start the class on Tuesday, right? लिखो, according to this approach, according to this approach, uncertain cash flows are converted to certain cash flows.
जितने भी हमारे अनसर्टन कैश फ्लोज होते हैं ना, उनको हम सर्टन कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग विथ कॉरस्पॉन्डिंग सीई वैल्यू। हम कॉरस्पॉन्डिंग सीई वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और अनसर्टन कैश फ्लोज को सर्टन कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर देंगे। एंड देयर आफ्टर विल यूज रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट। उसके बाद हम रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट, वेरी गुड। तो आरएडीआर इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर हम रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, लिखो अनसर्टन कैश फ्लोज गिवन है हमें, -2,50,000, 80,000 and 150. And CE value given है 1.9, 0.8, 0.7। अच्छा, CE का मतलब क्या होता है याद रखना, after one year I will get 50,000, इसके chances है 90%, because future is uncertain, तो हमें उसके होने के chances बताए गए हैं। 3 साल बाद 1.5 लाख आएगा, इसके chances क्या हैं? 0.7, 70%। 2 साल बाद 80,000 आएगा, इसके चांसेस क्या हैं? 80%। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वी विल गेट सर्टन कैश फ्लोज। हमें क्या मिल जाएगा? सर्टन कैश फ्लोज। And then we will be using PVF with discount rate of risk free. We will be using one risk free discount rate. मान लेते हैं risk free rate दिया हुआ है 6%। तो आप क्या करो, 6% से आप यहां पे values लिखो and then present value निकाल देना, you will get NPV. ठीक है ना। To get NPV we will multiply अनसर्टन कैश फ्लोज विद सर्टनिटी इक्विवेलेंट वैल्यू, वी विल गेट सर्टन कैश फ्लोज, सर्टन कैश फ्लोज विल बी डिस्काउंटेड विद रिस्क फ्री रेट एंड देन वी विल गेट प्रेजेंट वैल्यूज और उसका सम विल बी कॉल्ड एज एनपीवी। सिंपल। ठीक है ना। अब बच्चा कई बार पूछता है सर इसका लॉजिक क्या है, तो मैं आपको लॉजिक बता देता हूं क्या है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सपोज अगर मैं कहूं कि आपके घर में 100 गेस्ट को आपने इनवाइट किया है, 100 लोगों को आपने इनवाइट किया और उन 100 में से सारे लोग तो आएंगे नहीं, तो चांसेस दैट 100 पीपल विल कम, हाँ जी, चांसेस दैट दोज 100 पीपल विल कम is only 0.8. Do you know what does it mean? It means 100 people will come with a chance of 0.8. 80 people will come. This is 100%. So whenever we have certainty equivalent value less than 1, that means you are uncertain. So when we multiply these two figure, we get certain values. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मानव सीई वैल्यू दी होती है हमेशा क्वेश्चन में।
ओके शुभी आई विल टेक ब्लॉक ऑफ एसिड, डोंट वरी। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ डू वी कैलकुलेट एंड हाउ डू वी गेट सर्टन कैश फ्लोज, राइट। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। सो आई होप आज हमने बहुत अच्छा कवरेज किया, वी डिड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, मैंने आपके 5 मिनट आज आप एक्स्ट्रा ले लिए। ठीक है, तो जाते जाते आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, सबने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है बेटा, लिखो जरा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व करना है आपने। ठीक है, लिखो। अनसर्टन कैश फ्लोज माइनस 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख एंड 4 लाख। इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी। अभिषेक, ऑर्गेनाइजेशन कोड इज CASC। हाँ जी, अनसर्टन कैश फ्लोज गिवन है, सर्टनिटी इक्विवेलेंट वैल्यू गिवन है, 0 के आगे 1, 0.9, 0.8, 0.7। रिस्क फ्री रेट 6%, RADR 12%। फाइंड NPV यूजिंग CE अप्रोच। तो आप पहले क्या करना, कन्वर्ट करना अनसर्टन को सर्टन में, एंड देन रिस्क फ्री रेट से उसको डिस्काउंट करना। याद रखना RADR यूजलेस है अगर आप CE अप्रोच फॉलो करते हो तो। सो इफ एनी पर्सन इज यूजिंग CE अप्रोच, RADR जो क्वेश्चन में गिवन होगा दैट इज यूजलेस इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं आपसे 1 बजे विद लाइव चैट शो विद सी अरुण सेतिया। अपनी जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं प्लीज डिस्कस करिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। बिकॉज अभी क्या है, इतनी नेगेटिविटी के अंदर नोबडी इज देयर जो आपको सुने, तो आपके जो गम है ना, गम वो आपके अंदर ही रह गए हैं। तो मेरा जो चैट शो है उसका ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने गमों को बाहर निकालें, मेरे साथ शेयर करें, आपका मन हल्का हो जाएगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसका कोई बेटर सॉल्यूशन दूं, ताकि आप लोगों का अगला हफ्ता और अच्छे से निकल जाए। ठीक है जी, चलो मिलते हैं आपसे कल 1 बजे विद लाइव चैट शो विद सी अरुण सेतिया में। और अगर आप लोगों के कोई भी इश्यूज हो तो मेरे नंबर पे अभी से ही व्हाट्सअप करना शुरू करिए, ताकि मैं उनको कल से ही कंसिडरेशन में ले लूँ। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।